हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एस्किडियन टैडपोल लार्वा। अब एस्किडियन टैडपोल लार्वा जो है वो बेसिकली हर्डमेनिया का लार्वा है। दैट मीन्स कि जो हर्डमेनिया का डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट फॉर्म का डेवलपमेंट है। मतलब हर्डमेनिया हैचिंग के बाद, बर्थ के बाद, पहले लार्वल स्टेज में आता है और देन मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो एडल्ट फेज में जाता है। जब डायरेक्ट एडल्ट फेज आ जाता है तो आप उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हो, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बीच में कुछ मेडिएटेड फेजेस आते हैं, जैसे लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज, ऐसे स्टेजेस आते हैं, उनको अपन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हर्डमेनिया का डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं ज़रा एस्किडियन टैडपोल लार्वी के बारे में, क्योंकि हर्डमेनिया जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने ये जाना था कि वो एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है। मतलब सिर्फ एक जगह पाया जाता है, एक जगह स्थिर रहता है, तो सेडेंटरी टाइप का ऑर्गेनिज्म है। पर ये जो लार्वा है ये मोटाइल होता है, ये मूव करता है, फ्री स्विमिंग होता है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, लार्वा के बारे में अगर आप बात करो तो साइज जो है इसका वो अप्रॉक्स 1.2 mm, दो पार्ट्स में बटा रहता है, हेड और टेल। हेड को अपन ट्रंक भी बोल सकते हैं, तो हेड और टेल दो पार्ट में ये बटा हुआ रहता है। जो हेड रीजन होता है वो आपका साइज 1.2 mm, जिसमें हेड रीजन जो है वो 0.3 mm का होता है और टेल रीजन जो है वो 0.9 mm का होता है। ठीक है, तो ये है इसका टोटल साइज। इसके बारे में आगे और देखें तो बॉडी जो है इसकी वो ओवल शेप्ड होती है, और बॉडी में अगर बात करें तो ये हम सर की बात कर रहे हैं, ये हेड की बात कर रहे हैं, तो हेड का पोर्शन जो है वो ओवल शेप रहता है और टेल जो है वो इलोंगेटेड रहती है। ठीक है, तो अगर इसके बॉडी शेप की बात करें तो हेड जो है वो ओवल रहता है और टेल जो है वो इलोंगेटेड रहती है। उसके आगे अगर अपन देखें तो डेवलपमेंट तो हमने देख लिया कि इनडायरेक्ट टाइप का होगा क्योंकि लार्वल स्टेज बीच में आएगा। उसके बाद ये जो हेड वाला पोर्शन है इसमें तीन एडहेसिव पैपिली पाई जाती है। एडहेसिव पैपिली बोलने का मतलब, यहाँ पे एडहेसिव मतलब जुड़ने के लिए। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये जो लार्वा है ये फ्री स्विमिंग होता है। मतलब ये चीज़ आप लिखो कि लार्वा जो है फ्री स्विमिंग रहता है, किसी से अटैच नहीं होता, पर मेटामॉर्फोसिस करने के लिए, मतलब इसको एडल्ट बनने के लिए, एडल्ट में विकसित होने के लिए एक सबस्ट्रेट पे, एक सतह पे, एक बेस पे अटैच होना ज़रूरी रहता है। तो ये जो एडहेसिव पेपली है ये हेल्प करती है इस लार्वा को अटैच होने में किसी सबस्ट्रेट से। ठीक है, तीन एडहेसिव ये क्या है, थ्री एडहेसिव पैपिली। ये जो एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाला, जो चिपकने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे लिख दो कि तीन एडहेसिव पैपिली आर प्रेजेंट। ये जो एडहेसिव पैपिली है ये क्या करते हैं, हेल्प्स द लार्वा टू अधेयर अ सबस्ट्रेट, और या फिर आप देखो कि टू अधेयर मतलब चिपकना टू अ सबस्ट्रेट फॉर मेटामॉर्फोसिस। मतलब मेटामॉर्फोसिस करने के लिए, विकसित होने के लिए इसको एक सबस्ट्रेट पे जुड़ना ज़रूरी है, तो जुड़ने के लिए ये एडहेसिव पैपिली जो है वो काम आती है। उसके आगे अपन देखते हैं कि फ्री स्विमिंग जो होता है वो लार्वा होता है, पर जो एडल्ट होता है वो सेडेंटरी होता है। मतलब एडल्ट जो होता है वो एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हर्डमेनिया के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक जगह बस स्थिर रहता है, मूवमेंट नहीं करता। ठीक, उसके आगे अपन देखते हैं ये जो लार्वा है, लार्वा की बॉडी जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को भी इसको बाहर से हम देख सकते हैं। उसके बाद अपन देखें यहाँ पे ये जो है मोटाइल भी होता है, मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है।
उसके बाद अगर आगे अपन देखें तो इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो कवर रहती है एक लेयर से, एक पतले से लेयर से, जिसको अपन टेस्ट बोलते हैं। इसकी पूरी बॉडी कवर रहती है एक लेयर से जिसको अपन टेस्ट बोलते हैं। सो होल बॉडी इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट से पूरी बॉडी ढकी रहती है। हमने हार्डमेनिया में भी ये देखा था कि उनकी पूरी बॉडी टेस्ट से ढकी हुई थी। उसके आगे अपन देखें सेंसरी वेसाइकल, जो कि इसका ब्रेन होता है या ब्रेन के तौर पे फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। वहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। सेंसरी वेसाइकल और ब्रेन हैविंग सम सेंसरी ऑर्गन, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कौन से होते हैं, कुछ ओसेलाई पाए जाएंगे, मतलब आँखें, ये विज़न का काम देंगी। कुछ आँखें ओसेली जनरली हम लोग नेत्र के आँखें बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं फोटो रिसेप्टर्स, मतलब जो लाइट को लाइट के प्रति सेंसिटिव होंगे या फिर लाइट कैप्चर करेंगे उनके प्रति ये रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद होता है ऑटोसिस्ट। ऑटोसिस्ट जो है ये फ्री स्विमिंग लार्वा को हेल्प करेगा एक स्टेबल स्टेट बनाए रखने में। मतलब अगर फ्री स्विमिंग लार्वा है तो जब वो स्विम कर रहा है तो वो स्टेबल उसकी बॉडी जिस डायरेक्शन में स्विम करनी चाहिए वो मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ कि जब लार्वा अटैच होता है सबस्ट्रेट से, तो सबस्ट्रेट यहाँ है और लार्वा अगर इस तरह से आके अटैच हो रहा है तो ये इस फॉर्म में बना रहे, उसके लिए भी ये ऑटोसिस्ट हेल्पफुल होता है। मतलब बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है, स्विमिंग के दौरान और अटैचमेंट के दौरान बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को। उसके आगे अपन देखें ये जो सेंसरी वेसाइकल है या फिर ब्रेन है इसका, तो यहाँ पे मानो ये है सेंसरी वेसाइकल। तो सेंसरी वेसाइकल के आगे वाले पोर्शन पे भी और पीछे वाले पोर्शन पे भी कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। आगे वाले पोर्शन पे जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उसको अपन सेरेब्रल कोन बोलते हैं, इसको अपन सेरेब्रल कोन बोलते हैं, ठीक है, ये भी सेंसरी सेल्स हैं। और पीछे वाले जो सिरे पे है पोस्टेरियर साइड पे भी कुछ सेल पाए जाते हैं, उनको अपन विसरल गैंग्लिया बोलते हैं, इनको अपन विसरल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेंसरी सेल्स हैं, तो इन दोनों को अपन आगे वाले को सेरेब्रल कोन और पीछे वाले को विसरल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या होता है। लार्वा के केस के मैं अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होगा। इनके एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें तो वो माउथ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे कि माउथ इज प्रेजेंट, माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, माउथ प्रेजेंट होगा। उसके आगे अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें, एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो किस किस में, बटा हुआ होगा कौन कौन से पार्ट्स होगा, ब्रांचियल सिफोन, याद हो अगर आपको तो हार्डमेनिया में दो सिफोन्स प्रेजेंट थे, ब्रांचियल सिफोन और एट्रियल सिफोन, ये दो टाइप के सिफोन्स या दो तरह की ओपनिंग प्रेजेंट थी। तो जो माउथ वाला पोर्शन होगा वो ब्रांकियल सिफोन जो होगा उसी को अपन बोलेंगे। उसके बाद एक लार्ज फेरिंग्स प्रेजेंट था, फेरिंग्स का पोर्शन, छोटा सा एक ईसोफेगस का पोर्शन था, छोटा सा एक ईसो फेगस का पोर्शन था, फिर स्टोमक, उसके आगे और क्या प्रेजेंट है, स्टोमक के आगे, स्टोमक के आगे इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन देन रेक्टम देन एनस। और अगर आपको याद हो तो एनस के फिर बाहर जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है वो होता है आपका एट्रियल सिफोन या एट्रियम,
एट्रियम या फिर एट्रियल सिफोन, वहाँ से सब कुछ बाहर निकल जाता है जो कि आउटर या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। फिर यहाँ पे हार्ट एंड पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, हार्ट और पेरिकार्डियम लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने दिखाया था कि पेरिकार्डियम है और उसके अंदर हार्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो हार्ट और पेरिकार्डियम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके आगे अपन देखें तो टेल रीजन में टेल प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। एडल्ट मैच्योर होने के बाद जो नोटोकॉर्ड है वो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस यहाँ पे मिलती है। नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस जो है वो थ्रू आउट पूरे बॉडी में नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस मिलती है। मस्कुलर बैंड्स पाए जाते हैं इन नर्व कॉर्ड्स को अच्छे से फिक्स रखने के लिए। और दोनों साइड नर्व कॉर्ड के अगर पिछले पोस्टेरियर रीजन की बात की जाए, टेल रीजन की बात की जाए, तो टेल फिन्स पाए जाते हैं। टेल फिन्स क्या काम करते हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस कॉर्ड को और स्विमिंग में हेल्प करते हैं ताकि मूवमेंट कर सके। मूवमेंट करने के लिए उसको मसल्स को हिलाना पड़ेगा, उसके लिए टेल फिन्स जरूरी है। और उन मसल्स को कॉम्पैक्टली अच्छे से टाइट रखने के लिए मस्कुलर बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे टेल फिन्स प्रेजेंट हैं और मस्कुलर बैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी पूरी की पूरी एस्केडियन टैडपोल लार्वा के जनरल इंट्रोडक्शन की। इनके हैबिट हैबिटेट की बात करें तो ये मैराइन वाटर में मिलते हैं, और जब ये लार्वा हैच करते हैं एग से, जब ये लार्वा निकलते हैं, तो सबसे पहले जब ये लार्वा निकलते हैं तो दो कंडीशन होती है। एक, जब ये लार्वा फर्स्ट स्टार्टिंग फॉर्म में निकलते हैं तो ये होते हैं फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। मतलब फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव, मतलब फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब धरती। तो ये लाइट के प्रति पॉजिटिव होते हैं तो लाइट की तरफ भागते हैं और धरती से अपोजिट साइड में भागते हैं। तो ये नेगेटिव इसके प्रति और इसके प्रति पॉजिटिव। मतलब ये पानी के अंदर रहते तो लाइट किस तरफ मिलेगी? पानी के बाहर ऊपर सन है, तो ये लाइट की तरफ भागते हैं और धरती के अपोजिट साइड भागते हैं। नीचे ज़मीन है और लाइट ऊपर है, तो उसके अपोजिट साइड भागते हैं ऊपर पर। ऊपर जाने के कुछ टाइम के बाद, जब इनको एडल्ट फेज में मैच्योर होना होता है कुछ घंटों के बाद, तब ये वापस फर्दर जो है ये तो हो गया पहला केस। अब एक और केस होता है कि जब ये इनको वापस आना पड़ता है, अटैचमेंट जब इनको करनी होती है अपने सबस्ट्रेट से, जब इनको अटैच होना होता है मेटामॉर्फोसिस करने के लिए, तब ये अपोजिट हो जाते हैं, तब ये हो जाते हैं फोटो नेगेटिव एंड जियो पॉजिटिव। मतलब लाइट के प्रति नेगेटिव और धरती के प्रति पॉजिटिव। मतलब लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएंगे पानी के अंदर और ज़मीन के पास आएंगे, जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट जो होगा उसके ऊपर इनके अंदर जो पैपिली प्रेजेंट है उसके थ्रू ये अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर हर्डमेनिया में कन्वर्ट होंगे और ये हर्डमेनिया जब बन जाएंगे तो ये हो जाएंगे सेडेंटरी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मतलब जब ये विकसित हो जाएंगे, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, पर जो लार्वल स्टेज होगा वो काफ़ी मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एस्किडियन टैडपोल लार्वा का। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।